भारत बनाने जा रहा है ऐसा महाशक्तिशाली एआई हथियार। अब इंसान नहीं एआई की आर्मी होगी तैयार। पैदा होंगे ऐसे भारतीय टर्मिनेटर जिसे हराना हो जाएगा असंभव। दुनिया के किसी भी युद्ध को भारत एक झटके में जीत लेगा। इस धरती पर भारत के सिवाय और कोई नहीं होगा सुपर पावर। चीन, अमेरिका और रूस सब हुए पागल। दोस्तों, आज एआई का जमाना है और जिस तरह से एआई पर काम चल रहा है उसको देखते हुए यही पता चल रहा है कि एआई आगे चलकर और एडवांस होता ही चला जाएगा। सबसे कमाल की बात तो यह है कि भारत की डीआरडीओ इसी एआई का इस्तेमाल करके ऐसा महाशक्तिशाली एआई हथियार बनाने जा रहा है जिसके सामने दुश्मनों का टिक पाना मुश्किल हो जाएगा और भारत इस हथियार से अपने वतन की रक्षा कर सकेगा। दरअसल बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत की डीआरडीओ अब ऐसा धमाका करने जा रही है जिसे सोचना और समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यह हथियार आज तक का बहुत ही ज्यादा पावरफुल हथियार होने वाला है। इस हथियार को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर कोई ड्रोन या फाइटर जेट इसके सामने आ गया फिर तो उनका काम तमाम है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि भारत इस हथियार को सबसे पहले किस दुश्मन पर इस्तेमाल करेगा। तो इस बात का जवाब भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। कहा कि अगर जो भी देश हमारे भारत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसी पर ही हम इस हथियार को इस्तेमाल करेंगे। खाली इस्तेमाल ही नहीं, उनको तबाह कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है और सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक्चुअल में एआई ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है और इसका फायदा अब भारतीय सेना को भी मिलने जा रहा है। यकीन मानिए, ये जो हथियार भारत बना रहा है ये पूरे हथियार इंडस्ट्री को चेंज कर देने वाला है हमेशा हमेशा के लिए, और दुनिया में हथियारों के मामले में एक नया ट्रेंड भी सेट कर देगा। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत की डीआरडीओ ने आज जो कारनामा कर दिखाया है उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत जो यह नया हथियार तैयार कर रहा है यह एक प्रकार का लेजर हथियार है, लेकिन एक नॉर्मल लेजर हथियार नहीं है जैसे कि चीन ने या फिर भारत ने या फिर अमेरिका ने, सभी देशों ने तैयार कर लिए हैं, बल्कि यह एक बहुत ही खास प्रकार का लेजर हथियार है जो कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन के साथ आता है। दरअसल डीआरडीओ का मानना यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हथियार अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इससे हथियारों की जो एक्यूरेसी है यह नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। यानी कि अगर आप किसी हथियार को इंसानी हाथों से ऑपरेट कर रहे हैं तो जो टारगेट होता है उसके चूकने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। भले ही वह सैनिक कितना भी ज्यादा एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर वह किसी ड्रोन को उड़ा रहा है या फाइटर जेट को उड़ा रहा है तो निशाना चूक ही जाता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वह परफेक्ट होती है। अगर आपने उसे कोई टास्क दे दिया तो वह बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ उसे परफॉर्म कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से देखिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यह ट्रैक करती है किसी भी टारगेट को, यानी कि नियर परफेक्ट है, कोई चूकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी चीज का एडवांटेज अब डीआरडीओ उठाने जा रही है लेजर हथियार के मामले में। दरअसल डीआईडी का मानना है कि लेजर हथियार नेक्स्ट जनरेशन के हथियार हैं और इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो यह परफेक्ट हथियार बन जाएगा जिसकी हेल्प से दुश्मन का कोई भी ड्रोन हो, कोई भी लड़ाकू विमान हो या मिसाइल, उसे हाई प्रेसिजन के साथ मारकर गिराया जा सकता है। भले ही उसकी कितनी भी रफ्तार क्यों ना हो, वह कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसकी चाल या मारक क्षमता जो भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से उसका बच पाना वह भी लेजर हथियार के वार से असंभव होगा। और खास बात यह है कि इस लेजर हथियार को एक हार्ड किलर के तौर पर बनाया जा रहा है। यानी कि लेजर हथियार दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट किलर, दूसरा हार्ड किलर। जो सॉफ्ट किलर होता है वह किसी भी जो मिसाइल आ रही है या ड्रोन आ रही है उसके अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को किसी भी प्रकार से बदल देता है या उन्हें जला देता है।
जो हार्ड किलर होता है वह अंदर कुछ नहीं करता, वह सीधा गोली की तरह टारगेट करता है और एक एनर्जी पल्स छोड़ता है जिससे कि वह एक गोली की तरह काम करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरीके से उस ड्रोन को, उस मिसाइल को या उस लड़ाकू विमान को। डीआरडीओ का आइडिया यह है कि हार्ड किलर के साथ एआई का इंटीग्रेशन एकदम परफेक्ट होगा और इसीलिए डीआरडीओ अब इस पर तेजी से काम कर रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, यह खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। यह खबर डीआरडीओ के नए और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में है जो ड्रोन खतरे से निपटने के लिए तैयार किया गया है। डीआरडीओ ने एक नया मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया है जो ड्रोन खतरों से रक्षा के लिए बहुत ही कारगर है। इस सिस्टम में एक लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो ड्रोन को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एंड मशीन लर्निंग यानी AML का यूज किया गया है जिससे यह और भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। AI और AML तकनीक इस सिस्टम को असली खतरों और नकली ड्रोन में फर्क करने में मदद करती है। यह सिस्टम एडवांस सेंसर और इफेक्ट्स का यूज करके एयर स्पेस की पूरी जानकारी प्राप्त करता है। इससे हमारे डिफेंस सिस्टम को हर तरह के हवाई खतरों जैसे कि ड्रोन और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से सुरक्षा मिलती है। यह सिस्टम स्वार्म अटैक जहां दुश्मन कई ड्रोन में एक साथ हमला करता है उससे बचने के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। इसकी AI तकनीक असली खतरों को प्रायोरिटी देती है और तेजी से उससे निपटती है। दोस्तों, DRDO का यह नया एयर डिफेंस सिस्टम हमारे देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। AI और ML तकनीकों का यूज करके यह सिस्टम हर तरह के हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। भारत इस तरह की तकनीक पर इसलिए भी काम कर रहा है क्योंकि डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल काफी ज्यादा महंगी होती है और युद्ध के समय में यह भारत के लिए काफी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए दुश्मन से निपटने के लिए भारत के पास इस तरह का हथियार होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, DRDO जिस तरह से काम कर रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो अब वह वक्त दूर नहीं जब भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक हथियार होगा। और भारत के पास इस तरह का हथियार होना दुश्मन देश में हमेशा डर पैदा ही करता रहेगा। दुश्मन देश भारत से भिड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। यही कारण है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन हमारे लिए काफी अच्छा ऑप्शन है जो कि काफी सस्ता और इफेक्टिव है। इसके अलावा DRDO 5th generation का फाइटर जेट भी बना रहा है, साथ ही साथ एंटी मिसाइल सिस्टम भी बनाकर टेस्ट भी कर डाला। एंटी मिसाइल सिस्टम हवा में ही मिसाइल और फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिससे चीन काफी टेंशन में आ गया है। चीन की जासूसी काम नहीं आई और भारत ने अंदर ही अंदर बड़ा खेल खेल कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, DRDO को जल्द से जल्द इस हथियार को बना लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद।